तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थान की फेमस पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, या फिर यूँ कहें पापड़ बड़ी की सब्जी। वैसे तो इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीके से बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत कम समय में बन जाती है। मैं तोशी आपका अपने चैनल राजस्थानी तड़का विद तोशी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम ये पापड़ मंगोड़ी की सब्जी। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने ली है करीब 150 ग्राम मंगोड़ी है। और अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें तोड़ना है। तो उसके लिए हम लेंगे कोई कपड़ा और इसमें हम इन मंगोड़ियों को डालेंगे और इनके टुकड़े करेंगे, यानी कि जैसे एक मंगोड़ी के करीब 4 से 5 टुकड़े हो जाने चाहिए। तो इस तरह से हम बेलन से इन्हें तोड़ेंगे, बहुत आसान हो जाता है इस तरह से इन्हें तोड़ना। ये देखिए, कोशिश कीजिए कि सभी पीस इक्वल हों। इससे क्या होता है कि हमारी जो सब्जी है वो एक ही समय में पक जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई मंगोड़ी कच्ची रह गई और कोई पक गई। तो ये देखिए, सभी मंगोड़ियों को हमने तोड़ लिया है और अब इन्हें एक ट्रे में निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो मंगोड़ियों को तो हमने तोड़ लिया है और अब हम ले लेंगे प्याज। तो ये करीब 3 प्याज लिए हैं मैंने और ये इस तरह के पीसेस में काट लिया। और दूसरी तरफ हम कढ़ाई में चढ़ा देते हैं तेल। ये सब्जी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। ये करीब 2 बड़े चम्मच तेल के लिए है मैंने। सरसों के तेल में जब भी सब्जी बनाएं तो ज़रूरी है कि तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लें एक बार और फिर फ्लेम को ऑफ कर दें, जिससे तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा भुन गया और अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए प्याज। प्याज को हम हल्का सा भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए इतना ही। फ्लेम ऑन कर देंगे। तो ये देखिए, करीब 1 मिनट हो चुका और प्याज का कच्चापन निकल गया। अब हम इसमें डाल देंगे मंगोड़ी और इन्हें अब हम भूनेंगे अच्छे से। मंगोड़ी को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इन पे हल्का हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहिए और इन्हें भून लीजिए। तो करीब 1 से 2 मिनट ही लगेगा और ये देखिए, मंगोड़ी का कलर चेंज होने लग जाएगा। आपको लग रहा है कि कोई पीस बड़ा है और नहीं भुना है, तो इस तरह से आप इन्हें भून सकते हैं। तो देखिए, सभी मंगोड़ियाँ भून चुकी हैं और बहुत बढ़िया ब्राउन कलर इन पे आया है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो करीब ये मैंने 2 टमाटर डाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये टमाटर पहले क्यों डाले हैं। तो मैंने इसलिए डाले हैं जिससे कि मंगोड़ी को भूनने का प्रोसेस रुक जाए। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैंने डाला है हल्दी करीब 1/2 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो ये करीब 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। 1 चम्मच मिर्च। मसाले मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये जो मैंने मंगोड़ी ली है ये भी थोड़ी मसाले वाली थी। और 1 चम्मच मिर्च के बाद मैंने डाला है 1 चम्मच ही धनिया। और इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम मसालों को भून लेंगे। जिससे मसाले कच्चे नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कंटिन्यू चला रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अभी हम एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है और इसके साथ भी मैं थोड़ा सा मसालों को पका लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी सब्जी जब बनेगी तो उसमें मसालों का कच्चापन नहीं आएगा। अगर हम मसाले डालने के तुरंत बाद पानी डाल देते हैं तो मसालों का जो कच्चापन है वो खाते समय आता है और सब्जी टेस्टी नहीं बनती। इसलिए ज़रूरी है कि मसालों को पहले थोड़ा सा पका लें। और अब हम डाल रहे हैं पानी। तो ये करीब 2 से 2.5 गिलास पानी डालूंगी मैं इसमें। अभी इस समय पर लग रहा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी जैसे ही सब्जी बनने पर आएगी, मंगोड़ी फूलेंगी, तो ये पानी कम हो जाएगा। और अब हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसमें उबाल आने देंगे। 7-8 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि कहीं सब्जी में पानी कम तो नहीं है। तो ये देखिए, 7 से 8 मिनट हो गए हैं और पानी देखिए कितना कम हो गया और मंगोड़ी भी कितनी अच्छे से फूल गई है।
और अब हम इन्हें चेक कर लेंगे कि मंगोड़ी पकी है कि नहीं। मैंने इस तरह से चेक किया है, आप इस तरह से नहीं कीजिएगा क्योंकि मुझे आदत है, आप किसी कटोरी में निकाल करके चेक कीजिएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि इसमें पानी और जाएगा, तो मैंने ये करीब आधा गिलास पानी और डाल दिया और फिर से कवर कर देती हूँ और फिर 7 से 8 मिनट के लिए पकने देते हैं। और 7 से 8 मिनट के बाद ये देखिए, अभी भी आपको इसमें पानी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये मंगोड़ी की सब्जी ठंडी होगी इसका पानी और कम हो जाएगा। और ये देखिए मंगोड़ी हमारी कितने अच्छे से पक चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे पापड़। तो करीब ये मैंने 4 पापड़ लिए हैं जिन्हें इस तरह से मैंने तोड़ लिया था, इन्हें डाल देते हैं। पापड़ हम सब्जी में कच्चे ही डालेंगे, अगर हम सेक कर या तल कर के सब्जी में पापड़ डालेंगे तो पूरे पापड़ सब्जी में डालते ही घुल जाएंगे। और ये देखिए अब करीब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे। एक उबाल आ गया, गैस हम ऑफ कर देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया धनिया, धनिया मैंने सूखा कर रखा हुआ था इसलिए मैंने सूखा धनिया डाला है। और ये लीजिए हमारी बिल्कुल कम समय में बनी हुई ज़बरदस्त टेस्ट वाली मंगोड़ी पापड़ की सब्जी तैयार है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।